फ्रेंड्स, मैं अनिल प्रकाश और आप देख रहे हैं पीडी प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल। तो आप सब हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो को जो ऑटो प्ले होता है वो ऑटो प्ले कैसे होता है। जैसे कि यूट्यूब पर हम खोलते हैं और यूट्यूब वीडियो काफ़ी सारे वीडियोज़ आते हैं और उस पर क्लिक किए बिना जो ऑटो प्ले दिख जाता है वो ऑटो प्ले हम कैसे प्ले करेंगे उसको वो सेटिंग में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे तो आप देख पाएंगे कि वो सेटिंग कैसे करते हैं। सो चलिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया तो उसके लिए हमें जो है YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है और YouTube ओपन करने के बाद जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बहुत सारा वीडियो आता है, जैसे कि जैसे आप नीचे करते जाएंगे मतलब कि ऊपर की तरफ करेंगे तो ऐसे वीडियो सब आते जाएंगे और ऊपर थंबनेल में दिखता जाएगा कि जैसे कि ये है पटना और रांची के मिले वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सही है थंबनेल या गलत है वह आप इस पर एक बार बिना क्लिक किए इस पर एक बार जो है टच करके ऐसे छोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो सही में इसी टॉपिक पे है। तो उसके लिए जो है हमें एक सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग को ऑन करने के लिए जो है हमें यहाँ करना कुछ नहीं, राइट साइड में जो अपना चैनल का लोगो दिखता है या चैनल का आपका जो भी फ़ोटो डाले हुए उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक कर लेने के बाद सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में जाने के बाद हमें जो है सेकेंड ऑप्शन में जाना है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले में जाने के बाद फिर से हमें सेकेंड ऑप्शन में जाना है ऑटो प्ले ऑन होम। ऑटो प्ले ऑन होम पे आने के बाद यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन दिख जाएंगे। पहले से तो आपको ऑफ दिखेगा, ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऑलवेज ऑन करना है तो आप ऑलवेज ऑन कर सकते हैं। और वाईफाई ओनली, तो जैसे कि आप अगर वाईफाई कनेक्ट किए हुए हैं किसी जगह पे तो वाईफाई के थ्रू देखना चाहते हैं तो वाईफाई के थ्रू देख सकते हैं। तो हमें करना है ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन करके और हमें एक बार चेक कर लेना है, चेक कर लेना है कि ये अप्लाई हुआ है या नहीं। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर की तरफ थोड़ा ऊपर करूँगा और इस पर सिर्फ टच करके छोड़ूंगा मतलब कि ऐसे। तो ये वीडियो बगैर इस पर टच किए हुए प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि यार ये कोई जो है यूट्यूबर वो अपना जो है थंबनेल डाला हुआ है वो सच में उस थंबनेल के टॉपिक पे वीडियो है या किसी और टॉपिक पे है, तो ये पता चल सकता है। और इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है, जैसा कि आप अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहते, थोड़ा सा ही देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक भी नहीं किया और ये पहले प्ले हो गया है, चल रहा है वीडियो। इसमें वीडियो में मैं थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ कि ये वीडियो है क्या और इस वीडियो में है क्या, कैसे है, क्या बताया इसमें। तो इस पर ये फीचर्स है इसका। तो ये फीचर्स अप्लाई करने के लिए मैंने शुरू में आपको सेटिंग भी बता दिया है, तो आपको ये भी देख सकते हैं। इस पर भी मैंने बताया था, तो ये सब देख सकते हैं आप, जो ये सेटिंग है इस तरह से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो, टेक वीडियो और टिप्स ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।